बलरामपुर में मानवता को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया है। इस वायरल वीडियो में दो युवक एक शव को राप्ती नदी के पुल से नीचे फेंकते हुए दिख रहे हैं। शव फेंकने वाले दोनों युवकों में से एक युवक पीपी किट पहने हैं। घटना कोतवाली नगर क्षेत्र के राप्ती नगर पर बने सिसई घाट पुल की बताई जा रही है। वायरल वीडियो के संदर्भ में सीएमओ डॉक्टर विजय बहादुर सिंह ने बताया कि राप्ती नदी में फेंका जा रहा शव सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ के रहने वाले प्रेमनाथ मिश्र का है। उन्होंने बताया कि 25 मई को कोरोना संक्रमित होने पर उन्हें L2 अस्पताल में भर्ती कराया गया। 28 मई को इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। सीएमओ ने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत मृतक के शव को उनके परिजनों को सौंप दिया गया था। सीएमओ ने यह भी बताया कि वायरल वीडियो में शव को राप्ती नदी में फेंकते हुए दर्शाया गया है। इस संबंध में कोतवाली नगर में केस दर्ज करा दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। संवाददाता सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील बताइए, सीएमओ ने तमाम जानकारी दी कि मृत्यु के बाद शव को परिजनों को भी सौंप दिया गया था, लेकिन देखिए किस तरह पीपी किट पहनकर इस शव को पुल से नीचे नदी में फेंका जा रहा है। मामला दर्ज हुआ है, अभी तक कोई कार्रवाई हुई है क्या इस पर? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा ये जो घटना है वो कोतवाली नगर क्षेत्र के सिसई घाट पुल की बताई जा रही है। पुल से और नीचे पानी की ऊंचाई अगर जोड़ी जाए तो करीब 50 मीटर ऊपर है। 50 मीटर ऊपर से शव फेंक कर मानवता को शर्मसार किया गया है। फेंकने वाले में एक ने पीपी किट पहनी हुई थी जबकि एक शादी था। उसमें जो स्थानीय लोग हैं वो भी बताते हैं कि नीचे से पत्थर लाए गए थे और शव पे पहले पत्थर बांधे गए जिससे वो ऊपर ना आ सके और जाके नीचे ही कहीं बैठ जाए। हालांकि जब वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासन में हड़कंप मच गया। इसके बाद विजय बहादुर सिंह सामने आए और इन्होंने अपने बयान में बताया कि ये शोहरतगढ़ के रहने वाले थे, इनका नाम प्रेमनाथ मिश्रा था, जिन्हें 25 मई को कोरोना संक्रमित होने पर इन्हें L2 में भर्ती कराया गया था और 28 को इनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद इनके परिजनों को शव को सौंप दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने न सिर्फ उसका अंतिम संस्कार करने के बजाय उसे राप्ती नदी के घाट से राप्ती नदी में फेंक दिया। उन्होंने सीएमओ ने बताया है कि पूरे मामले पर कोतवाली नगर को सूचित कर दिया गया है और मुकदमा भी संबंधित के खिलाफ दर्ज करा दिया गया है। जी हाँ, मामला दर्ज हो गया है, लेकिन जिन लोगों ने इस तरह बिना अंतिम संस्कार किए शव को ऐसे नदी में फेंका, उनकी गिरफ्तारी हो पाई है? उनसे कोई पूछताछ हो पाई है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? देखिए अभी कोई पूछताछ नहीं हो पाई है। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने भी बताया है कि पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है, जल्द ही पहचान कर उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। हमने टीमों का गठन कर दिया है और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए टीमों को लगा दिया गया है। तो मामले में कार्रवाई हो रही है और जल्द ही उम्मीद की जा सकती है कि परिवार वालों से भी सवाल जवाब करने पहुंचेगी पुलिस और इन लोगों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने अंतिम संस्कार करने के बजाय इस तरह शव को नदी में फेंक दिया पुल के ऊपर से। मामले में जांच जारी है और सीएमओ ने इस मामले में सारी डिटेल दी है और बताया है कि किस तरह कोरोना के कारण इनकी मौत हो गई थी, इनके शव को परिवार वालों को भी दे दिया गया था, लेकिन देखिए क्या किया गया। इस वीडियो को कार से वहां गुजर रहे किसी शख्स ने बनाया है। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आखिर कब से ये वीडियो वायरल हो रहा है और उसके सोर्स का पता है कि किसने इस वीडियो को बनाया? जी आपको बताना चाहेंगे, ये 1 से 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। हालांकि अभी उसकी पहचान नहीं हो सकी कि वीडियो किसने बनाया था, लेकिन ये तमाम व्हाट्सएप ग्रुप पे एक साथ वायरल हुआ है, जिसके बाद इसका प्रशासन ने संज्ञान लिया और कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस उसकी भी पहचान करने में लगी हुई है कि ये वीडियो किसने बनाया, क्योंकि वीडियो जो चल रहा है उसमें एक बोलेरो गाड़ी में दिख रहा है, उसके चेहरे को निकाल कर उसके पहचान का प्रयास किया जा रहा है कि उसने जब बनाया था तो वो कौन लोग थे जो इनको फेंक रहे थे। हालांकि ये स्पष्ट है कि शव जब परिजनों को सौंप दिया गया था तो जो शव फेंकने वाले हैं उनके परिजन ही हैं, लेकिन परिजन में कौन शख्स है वो इसकी पहचान के लिए पुलिस ने टीमों का गठन कर दिया है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए। आप नजर बनाए रखिए, जानकारी के लिए शुक्रिया। तो मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना बलरामपुर में हुई, जहां शव की अंत्येष्टि करने के बजाय परिजनों ने ही शव को इस तरह पुल के नीचे से राप्ती नदी में फेंक दिया। उन्नाव में चुनावी रंजिश को लेकर जमकर मारपीट हुई है। उन्नाव में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई, लाठी डंडे चले। हारे प्रत्याशी ने नवनिर्वाचित प्रधान पर हमला बोल दिया, प्रधान समेत 6 लोगों को पीटा, 3 की हालत गंभीर। उन्नाव के मवई भवन गांव में दो पक्षों में ये भिड़ंत हुई है। देखिए किस तरह यहां पर मारपिटाई हुई है। उन्नाव के मवई भवन में दो पक्षों में भिड़ंत हुई, चुनावी रंजिश को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, जबरदस्त मारपीट हुई, लाठी डंडे चले। हारे प्रत्याशी ने नवनिर्वाचित प्रधान पर हमला बोला है। दोनों ही पक्ष के लोग आमने सामने आ गए, 6 लोगों को पीटा गया जिनमें से 3 की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है।
हारे हुए प्रत्याशी ने जो निर्वाचित प्रधान है उसको पीटा और दोनों ही पक्ष आमने सामने आ गए, लाठी डंडे चले, पत्थर बरसाए गए। 6 लोगों की बुरी तरह पिटाई हुई है जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। और अब खबर मथुरा से, जहां एक चोर ने शराब की दुकान को निशाना बनाया। चोर शराब की दुकान से शराब की बोतलें और कैश लेकर फरार हो गया। चोर की ये वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि दुकान का सेल्समैन अपने लिए खाना लेने गया था, उसी समय चोर बेड के नीचे आकर छिप गया। सेल्समैन ने चोर की जमकर पिटाई भी की। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। चोरी की वारदात, चोर की सेल्समैन ने पिटाई की है। शराब की दुकान में किस तरह चोरी करने ये चोर घुसा था और उसके बाद छिप गया, लेकिन सेल्समैन ने इसको देख लिया और उसके बाद ये पिटाई हुई। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई है। लखनऊ की जीवनदायिनी गोमती नदी अपने अस्तित्व को लेकर संघर्ष कर रही है, क्योंकि गोमती नदी बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है। मीडिया के मामला उठाने पर गोमती से जल कुंभियों को हटाया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि मीडिया में मामला आने के बाद ही नींद से क्यों जागता है प्रशासन। तो ये देखिए गोमती की हालत, जल कुंभियों का हर तरफ बसेरा है और इनको अब हटाया जा रहा है क्योंकि मीडिया में काफी तस्वीरें आई और सवाल यही उठाया गया कि जीवनदायिनी गोमती का ये हाल कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं है। पूरी गोमती में जल कुंभियां पटी हुई हैं। अब प्रशासन हरकत में आया है और उनको वहां से हटाया जा रहा है। गाजियाबाद में येलो फंगस का कहर, येलो फंगस से गाजियाबाद में पहली मौत हुई है। हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल में एक मरीज का इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान मरीज ने दम तोड़ दिया। येलो फंगस जिसका मामला गाजियाबाद में सामने आया था और अब खबर आ रही है कि येलो फंगस से मौत भी हुई है। पहली मौत हुई है येलो फंगस से गाजियाबाद में। हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल में मरीज का इलाज चल रहा था और इस मरीज की मौत हो गई है। येलो फंगस का पहला मामला यूपी के गाजियाबाद से सामने आया और अब एक शख्स की मौत हो गई है इस संक्रमण की वजह से। अलीगढ़ शराब कांड पर सबसे बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। शराब कांड में अब तक 5 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। अब तक मामले में 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 मुख्य आरोपी लगातार फरार चल रहे हैं। फरार आरोपियों में 50,000 का इनाम रखा गया है। शराब से अब तक हुई है 25 लोगों की मौत। इस वक्त की बड़ी खबर, अलीगढ़ शराब कांड से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट। मरने वालों का आंकड़ा 25 जा पहुंचा है। 5 FIR इस मामले में दर्ज हुई हैं। 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि जो मुख्य आरोपी हैं, 2 मुख्य आरोपी अब तक इस मामले में फरार हैं और उन तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। मामले में 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 मुख्य आरोपी लगातार फरार चल रहे हैं। अलीगढ़ में शराब से 25 लोगों की मौत के बाद पूरे यूपी में पुलिस अब एक्शन में दिखाई दे रही है। अलग अलग जगहों पर पुलिस दबिश दे रही है और इसी क्रम में हम आपको 3 तस्वीरें इस वक्त दिखाने जा रहे हैं, एटा, गाजियाबाद और फतेहपुर की। ये तीनों तस्वीरें आप देखिए। एटा में पुलिस ने अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा है और मौके से आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने का सामान भी बरामद किया है। दूसरी तस्वीर गाजियाबाद की आप देख पा रहे हैं, जहां रिस्तल, भूखेड़ी, बनेड़ा, महमूदपुर कई स्थानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान भारी मात्रा में लहन बरामद किया गया और उसे नष्ट भी किया गया। तीसरी तस्वीर फतेहपुर की है, जहां अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाते हुए पुलिस ने छापा मारा और एक शख्स को गिरफ्तार किया। तो पूरे यूपी में एक बार फिर से जहरीले शराब और शराब माफिया के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। एटा, गाजियाबाद और फतेहपुर, 3 जगह प्रशासन की टीमों ने छापा मारा है। लहन को नष्ट किया गया है, कच्ची शराब मिली है बड़ी मात्रा में, एक शख्स गिरफ्तार हुआ है। तो एटा में 2 लोग मौके से भागने में कामयाब भी रहे। और अब एक बड़ी खबर झांसी से, गार्ड की हत्या से सनसनी फैल गई है। हरे कृष्णा स्टोन क्रशर पर गार्ड की हत्या कर दी गई है। चिरगांव के रामनगर रोड पर स्टोन क्रशर है और वहां पर तैनात गार्ड की हत्या कर दी गई। पूर्व एमएलसी का बताया जा रहा है ये क्रशर। हरे स्टोन
क्रशर पर गार्ड की हत्या कर दी गई है। चिरगांव के रामनगर रोड पर यह स्टोन क्रशर है और यहीं पर तैनात गार्ड को निशाना बनाया गया है और उसका मर्डर कर दिया गया है। पूर्व एमएलसी का बताया जा रहा है ये क्रशर। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये घटना झांसी की है जहां पर एक स्टोन क्रशर जिसका मालिक एमएलसी है वहां तैनात एक गार्ड की हत्या हो गई है। अगली खबर मथुरा से। दंपति ने दरोगा पर लूटपाट का आरोप लगाया है। दरोगा सोनू सिंह और एक सिपाही पर लूटपाट का आरोप लगा है। सिपाही पर दंपति से 6 लाख रुपए लूटने का आरोप है। पीड़ित ने कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण से इसकी शिकायत की है। तो दरोगा सोनू सिंह और एक सिपाही पर लूटपाट का आरोप है। सिपाही पर दंपति से 6 लाख रुपए लूटने का आरोप लगा है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अवैध शराब के मुद्दे पर। आज अलीगढ़ में गया हुआ है, वहां के स्थानीय लोगों से मिलना, पीड़ित परिजनों से मिलना और जो लोग अस्पतालों में भर्ती हैं उनसे बात करने के लिए गई हुई है। आंकड़े पूरी तरह प्रत्यक्ष हैं। लगातार सरकार आंकड़ों की हेरा फेरी करने में व्यस्त है। जो लोग इस जहरीली शराब के दौरान अपनी जानों को गंवा चुके हैं उनके प्रति सरकार को कोई चिंता नहीं है। आपको याद होगा बाराबंकी में एक बार नहीं 3 बार 3 वर्षों में घटना हो गई। कोरोना काल में जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों को बड़ी मदद यूपी सरकार की तरफ से। सीएम योगी ने पत्रकारों के परिवारों को आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। दिवंगत पत्रकारों के परिवारों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर सीएम की तरफ से ये मदद दी गई है। सीएम योगी के निर्देश पर दिवंगत पत्रकारों के परिवारों को ये मदद की जाएगी। हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर सीएम योगी ने इस मदद का ऐलान किया है। अब हम लोग जो बुरे दिन थे उससे धीरे धीरे बाहर निकल करके आ गए हैं। कोरोना महामारी के दौरान जो पीड़ा आप सबने झेली है, हमारे कई पत्रकार मित्रों ने अपने प्राणों की आहुति भी दी इस कोरोना महामारी के दौरान। हमारी सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मृतक परिवारों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करते हुए उन्हें 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिए जाने का भी ऐलान किया है। ऐसे अवसर पर यहाँ पर जहाँ हम लोग खड़े हैं BBIP के परिसर में, यहाँ पर हमारे पत्रकार मित्र ढेर सारे दिन भर कवरेज करने के बाद खड़े होते थे तो कोई अच्छा यूरिनल नहीं था, तो यहाँ पर एक विधायक से यूरिनल बनाया जा रहा है और शीघ्र ही बनकर के तैयार हो जाएगा और जैसा भी आदेश हमारे पत्रकार मित्र करेंगे उनके साथ हम खड़े हैं। उधर यूपी में 10वीं की बोर्ड परीक्षा कैंसिल कर दी गई है। इस पर प्रयागराज में अभिभावकों और टीचर्स की क्या प्रतिक्रिया है, इन सभी से बातचीत की है हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन ने। सरकार ने इस साल 10वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी है। सभी छात्रों को पास करते हुए उन्हें प्रमोट करने का फैसला किया है। हालांकि सरकार के इस फैसले को लेकर जो स्टूडेंट्स हैं, जो उनके परिवार वाले हैं, उन्होंने मिलीजुली प्रतिक्रिया जताई है। ज्यादातर का ये कहना है कि परीक्षा अगर होती तो शायद उन्हें ज्यादा नंबर मिलते, उनके जो रिकॉर्ड है, जो मार्कशीट है, उस पर बेहतर नंबर दर्ज होते। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त 10वीं क्लास के भी स्टूडेंट्स हैं, 12वीं क्लास के भी स्टूडेंट्स हैं, उनके परिवार वाले हैं, साथ ही साथ जो है टीचर्स भी यहाँ पर हैं और जल्दी जल्दी इन सब की प्रतिक्रिया लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। बताइए क्या नाम है आपका, किस क्लास की स्टूडेंट हैं आप और जो सरकार ने आपको पास करने का फैसला किया क्या कहना है? मेरा नाम कलश है, मैं क्लास 10 की स्टूडेंट हूँ और सरकार ने जो फैसला लिया है वो तो एक हिसाब से सही भी है, एक हिसाब से सही नहीं भी है। हमारी साल भर की मेहनत उतना नहीं दिख पाएगा पर हेल्थ जरूरी है, इस हिसाब से सही किया है सरकार ने। बिल्कुल, मेहनत नहीं दिख पाएगी, नतीजा मार्कशीट में उस तरह से नहीं दर्ज हो पाएगा, लेकिन ज़रूरत थी, हालात ऐसे थे कि इस तरीके का फैसला लेना पड़ा। आप बताइए क्या नाम है आपका और आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरा नाम सोनम गुप्ता है, मैं क्लास 10th की छात्रा थी। अब जो सरकार ने डिसीजन लिया वो बेस्ट है, लेकिन हमारे जो प्रिपरेशन किया तो उसके हिसाब से पेपर रिजल्ट नहीं बन पाएगा। बिल्कुल, जो होनहार छात्र हैं वो इस फैसले से थोड़ा सा निराश हैं। आप बताइए, आप तो क्लास 12th की स्टूडेंट हैं, आपको क्या लगता है कि जो इन लोगों के साथ हुआ प्रमोट करने का फैसला, आप लोगों को भी वही फैसिलिटी मिलनी चाहिए? सर, हम लोगों को ये फैसिलिटी नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि आगे चल के कॉम्पिटिशन्स लेवल में हम लोगों को मोस्टली 12th के रिजल्ट के अकॉर्डिंग हर चीज़ में हम लोगों का डिसीजन होगा, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि हम लोगों को प्रमोट किया जाए। बस कोविड की वजह से जो नियम सरकार ने लिया है तो सही किया, लेकिन बच्चे मायूस थोड़ा हो रहे हैं।